अपने अंदर के जिन के बारे में जानने की कोशिश करें। आपको ये भी पता चल चुका है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है। ऐसा करने से आपके और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच में कनेक्शन डेवलप होने लगेगा। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो हैरी डब्ल्यू कारपेंटर की किताब द जीनी विद इन योर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ टू यूज इट पर आधारित है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ताकतवर है और ये बिना किसी प्रयास के आपके लिए काम करता है, लेकिन अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो ये आपके खिलाफ भी काम कर सकता है। इस बुक में राइटर हैरी डब्ल्यू कारपेंटर ने बताया है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और इसकी मदद से आप मनचाही सक्सेस हासिल कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा हेल्दी बन सकते हैं। राइटर ने कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताया है जिनकी मदद से आप ये जान पाएंगे कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह काम करता है और कैसे आप इसकी अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल अपने और दूसरों की भलाई के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूँ। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, योर जीनी। आमतौर पर जिन का नाम सुनते ही लोग डरने लगते हैं, लेकिन राइटर कहते हैं कि ये जिन आपको डराने वाला नहीं है, बल्कि ये तो आपकी मदद के लिए आया है। ये जिन कोई भूत प्रेत नहीं है। फिर आखिर ये जिन है कौन? राइटर कहते हैं कि ये जिन आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड है। आपको पता होना चाहिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत आपकी सोच से भी परे है। कई रिसर्च जर्नल्स ने ये दावा किया है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ में केवल 10% ही सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर पाते हैं। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद इस बात पर ध्यान दें कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का कितना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में क्या अंतर होता है। आसान शब्दों में कहें तो दिमाग का वो हिस्सा जिसके बारे में आपको पता होता है उसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। इसके अलावा दिमाग के जिस हिस्से के बारे में आपको अंदाजा भी नहीं होता उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। इसी के साथ राइटर कहते हैं कि एक और बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि दिमाग हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला हिस्सा ब्रेन है जो कि काफी कॉमन है, दूसरा हिस्सा माइंड है। इसकी उपयोगिता ब्रेन से अधिक होती है। इसी से किसी भी इंसान के अंदर क्रिएटिविटी का भी जन्म होता है। आज तक ज्यादातर लोग ब्रेन को सेंटर मानकर अपनी लाइफ को डिजाइन करते रहे हैं, लेकिन राइटर इस किताब के माध्यम से इसी भ्रम को तोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि लाइफ को बेहतर करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को भी जानना होगा। इस किताब का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि आप कुछ सिंपल स्टेप्स की मदद से अपने अंदर के जिन के बारे में जानने की कोशिश करें। राइटर ने हमें खुद के अंदर के जिन को समझने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स बताए हैं। पहला, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। राइटर कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को कुछ लोग ही जान पाते हैं। वो सलाह देते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड आपके लिए लिमिट तय करता है, लेकिन जब आप खुद को इस तय की गई लिमिट से बाहर निकालते हैं तब वहाँ सबकॉन्शियस माइंड का रोल आता है। एग्जाम्पल के तौर पर, आज से 50 साल पहले 4 मिनट के अंदर 1 मील तक इंसान नहीं दौड़ पाता था, लेकिन फिर साल 1954 में बेनिस्टर ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा
कि ये रिकॉर्ड सबकॉन्शियस माइंड को काबू करने के बाद ही हासिल हुआ है। इस रिकॉर्ड के बनने के बाद से ही कई लोगों ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दूसरा, स्टेट ऑफ माइंड। राइटर खुद के अंदर के जिन को पहचानने के लिए दूसरा सिंपल स्टेप स्टेट ऑफ माइंड को बताते हैं। राइटर कहते हैं कि अगर इंसान चाहे तो खुद के दिमाग को जीतकर दुनिया पर जीत हासिल कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड यानी नजरिए में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। इसके अलावा आपको अपने अंदर तीन चीजों को डेवलप करना होगा, वो है डिजायर, एक्सपेक्टेशन और कॉन्फिडेंस। चैप्टर 2, डिफरेंसेस बिटवीन द सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड का अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप पहले इसे समझ लें। उसे समझने के लिए जरूरी है कि आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का अंतर भी जान लें। राइटर कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोगों को राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन कॉन्सेप्ट के बारे में पता रहता है, लेकिन हम यहाँ इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर पॉल मैकलियन के ट्रायून मॉडल के बारे में बात करेंगे और इसी मॉडल के हिसाब से सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच के अंतर को भी जानेंगे। पहला, साइज। साइज के हिसाब से आपको बता दे कि कुल ब्रेन का 92% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड का होता है, वहीं जिस दिमाग के बारे में हम जानते हैं उसका हिस्सा मात्र 8% ही होता है। आप सोचिए कि आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना कितना जरूरी है। दूसरा, साइट। बाहरी दुनिया में जो कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीज है जिसे देखा नहीं जा सकता बल्कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तीसरा, कम्युनिकेशन। कॉन्शियस माइंड शब्दों से कम्युनिकेट करता है, इसके लिए बड़ी वोकैबुलरी या शब्दकोश जरूरी होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का शब्दकोश लिमिटेड रहता है। दिमाग के इस हिस्से का शब्दों से कुछ खास लेना देना नहीं होता है। चौथा, फंक्शंस। राइटर कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड शरीर के नॉर्मल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि अगर किसी को अपने हाथों को हिलाना है तो ये कॉन्शियस एक्शन कहलाएगा। सबसे जरूरी बात ये है कि कॉन्शियस माइंड एक समय में बस एक ही काम कर सकता है, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड एक समय में कई सारी चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे कि ये आपकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट और मेमोरी जैसी कई चीजों को कंट्रोल करता है। चैप्टर 3, योर सुपर बायो कंप्यूटर। अब तक आपको दिमाग के दोनों हिस्सों के बारे में जानकारी हो गई है। आपको ये भी पता चल चुका है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है। इसके बाद राइटर हमें अपने सुपर बायो कंप्यूटर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि आजकल पर्सनल कंप्यूटर रखना आम सी बात हो गई है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी कंप्यूटर से बेहतर है। ये दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा, बल्कि ये कई रिसर्च जर्नल में पब्लिश भी हो चुका है। अब हम थोड़ी बारीकी से अपने पर्सनल सबकॉन्शियस सुपर बायो कंप्यूटर को जानने की कोशिश करते हैं। पहला, डेटा स्टोरेज। कॉन्शियस माइंड की स्टोरेज क्षमता बहुत लिमिटेड होती है। रिसर्च तो ये भी बताती है कि ज्यादातर लोग एक समय में केवल 7 अंक तक ही याद रख सकते हैं। यही वजह है कि कई लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, लेकिन राइटर कहते हैं कि आपके दिमाग में याद करने की इतनी ज्यादा शक्ति है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है, ये कभी भी सोता नहीं है। राइटर एग्जाम्पल के तौर पर सैन फ्रांसिस्को के एक सर्जन की कहानी बताते हैं। सर्जन ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उसके पेशेंट्स सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया लगने के बाद भी उनकी बातें सुना करते थे। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जागता रहता है। दूसरा, गोल्स सीकिंग कंप्यूटर। राइटर कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही
आपके किसी भी गोल को अचीव करने में आपकी मदद करता है। दिमाग का ये हिस्सा हमेशा कॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करता रहता है, इसलिए राइटर सब कॉन्शियस माइंड को गोल अचीविंग माइंड भी कहते हैं। चैप्टर 4 लॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। राइटर कहते हैं कि जिस तरह मैथ्स के कुछ लॉ होते हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद हमें सही सॉल्यूशन मिलता है, इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड के भी कुछ लॉज होते हैं जिनको फॉलो करने के बाद आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। राइटर ने हमें यहाँ सबकॉन्शियस माइंड के कुछ लॉज के बारे में बताया है। पहला, रेपिटिशन रेपिटिशन रेपिटिशन। पहला लॉ यही है कि सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी इंफॉर्मेशन को डालने के लिए उसे कई बार रिपीट करना होता है। आपको खुद के अंदर किसी भी नई आदत को डालने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को कई बार समझाना पड़ेगा। ऐसा करने से आप दिमाग के इस हिस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इमोशन। इमोशन यानी भावनाओं को ही सबकॉन्शियस माइंड की ताकत के रूप में जाना जाता है। अगर आपको दिमाग के इस हिस्से को कंट्रोल करना है तो फिर किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ इमोशन को जोड़ने की कोशिश करें। तीसरा, प्रेजेंट टेंस। सबकॉन्शियस माइंड ना ही पास्ट में रहता है और ना ही फ्यूचर में, ये माइंड केवल और केवल प्रेजेंट में रहता है। इसलिए दिमाग के इस हिस्से को जीतने के लिए आपको इस लॉ को याद रखना ही होगा। चौथा, वन डोमिनेंट कॉन्सेप्ट। सबकॉन्शियस माइंड का ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। दिमाग का ये हिस्सा एक समय में एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। पांचवा, एक्सपेक्टेशन। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में जाना कि सबकॉन्शियस माइंड एक गोल सीकिंग कंप्यूटर की तरह काम करता है, चाहे आपका गोल जो भी हो ये उसे अचीव करने में आपकी मदद करता है। इसलिए राइटर कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का रोल किसी भी गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा होता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल होने वाले लोगों की लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका भी बहुत अहम होती है। चैप्टर 5 कम्युनिकेटिंग विद योर सबकॉन्शियस माइंड। राइटर के अनुसार लाइफ में प्रॉब्लम की शुरुआत ही तब होती है जब इंसान सबकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेट करना बंद कर देता है। चलिए सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करने की कुछ टेक्निक्स के बारे में जान लेते हैं। पहला, इंटरनल कॉन्वर्सेशन। इंटरनल कॉन्वर्सेशन ही सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करने की पहली टेक्निक है। अच्छी बात यह है कि आप इस टेक्निक का इस्तेमाल हर रोज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, वो ये है कि वैसे तो इंसान अपने दिमाग से अधिकतर बात करता रहता है, लेकिन ज्यादातर समय वो बातचीत कॉन्शियस माइंड से होती है। उस बातचीत को राइटर फिजूल यानी मंकी टॉक कहते हैं। इसलिए राइटर सुझाव देते हैं कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही बात करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, क्वेश्चन। सवाल करने की आदत अच्छी होती है, इसकी मदद से ही आप खुद के सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल करें, ऐसा करने से आपके और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच में कनेक्शन डेवलप होने लगेगा। तीसरा, ड्रीमिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता रहता है, वो कभी नहीं सोता, तो फिर जब भी आप सोने जाएं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम देकर जाएं, उसे किस आइडिया के ऊपर काम करना है। ऐसा करने से भी आपका और आपके सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन बेहतर होगा। चैप्टर 6 मेथड्स ऑफ यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड पार्ट 1। सबकॉन्शियस माइंड को जानने के सफर में अब तक हमने उससे कम्युनिकेट करना सीख लिया है, अब समय आ गया है कि हम उसे यूज करना भी सीख सके। उसके लिए हमें कुछ मेथड्स के बारे में जानना होगा, जिसके पहले हिस्से की शुरुआत हम इस चैप्टर से करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको याद रखना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड को आप अपने एटीट्यूड के मदद से ही जीत सकते हैं, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही डील करें। अपने एटीट्यूड से फेल होने के डर को बाहर निकाल कर फेंक दें।
ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए इमोशंस और मेंटल इमेजेस का इस्तेमाल करें। सफलता पाने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की तरफ एफर्ट करना होगा। गिव द जॉब टू योर जीनी। कोई भी चीज बिना किसी काम के खराब हो जाती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर के जिन यानी सबकॉन्शियस माइंड को भी काम में लगा दें। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड को रात में सोते समय ही टास्क देने हैं। वो टास्क किसी भी आइडियाज के ऊपर हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस मेथड से ही आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यूज इमेजिनेशन एंड रेपिटिशन। राइटर कहते हैं कि लाइफ में सफल होने के लिए इमेजिनेशन पावर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसी तरह जब तक किसी काम में सफल ना हो जाएं, तब तक उसे रिपीट करते रहें। अपडेट योर गोल्स। नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग से बदलने की कोशिश कीजिए। अपने गोल के बारे में अंदर के जिन को अपडेट करते रहिए। उसे बताते रहिए कि लाइफ में आपको क्या क्या अचीव करना है। मॉनिटर योर थॉट्स। जैसे कि आपको मालूम है कि सबकॉन्शियस माइंड गोल सीकिंग कंप्यूटर है, इसलिए इस कंप्यूटर से सही डेटा यानी विचार का जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए पॉजिटिव वाइब्स के आसपास रहिए और अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाने की कोशिश करिए। चैप्टर 7 मेथड्स ऑफ यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड पार्ट 2 टर्न ऑन योर जॉय सेंटर। राइटर यहाँ सवाल कर रहे हैं कि क्या आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इसके लिए आपको खुद के जॉय सेंटर को ऑन करना होगा। यहाँ किसी बटन की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये एक तरह का मेथड है जिसकी मदद से सबकॉन्शियस माइंड का यूज किया जा सकता है। इस मेथड को राइटर एक कहानी के माध्यम से इस चैप्टर में समझाना चाहते हैं। कहानी करीब 50 साल पहले की है और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट हीथ के एक एक्सपेरिमेंट की है। उनका एक पेशेंट हुआ करता था जो कि सीवियर डिप्रेशन का मरीज था। वो कभी भी खुश नहीं रह पाता था। कॉमेडी शो या पंच लाइन्स के ऊपर भी उसे हंसी नहीं आया करती थी। इंसानी दिमाग में एक जगह होती है जिसे सेप्टम पेरुसिडम कहते हैं। इसी जगह सेंसेशन ना होने की वजह से उसकी वो हालत हुई थी। डॉक्टर ने उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उस जगह से एक वायर को अटैच करके बाहर एक एनर्जी बटन से अटैच कर दिया था। जब भी बटन को ऑन किया जाता था, उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता था। बटन ऑन करने की वजह से उसके दिमाग के सेप्टम पेलुसिडियम में सेंसेशन होती थी। लेकिन इस इलाज में एक दिक्कत थी। वो ये थी कि दिमाग से अटैच की गई वायर कभी भी टूट सकती थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलाज परमानेंट नहीं था। इसके बाद इसी आइडिया के ऊपर कई फार्मा कंपनियों ने दवाइयां बनाई, लेकिन उन दवाइयों का साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा था। लेकिन राइटर कहते हैं कि आप बिना किसी साइड इफेक्ट्स के अपने माइंड के सेप्टम पेलुसिडम को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे जरूरी सवाल है कि सेप्टम होता कहाँ है? इसका जवाब है कि ये आपकी तीसरी आंख यानी दोनों आंखों के बीच में होता है। इससे आप अपने मूड को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए बस आपको खुद के सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करने की जरूरत है। इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले रिलैक्स हो जाएं। इस स्थिति को अल्फा स्टेट कहते हैं। अल्फा स्टेट में ही खुद के सबकॉन्शियस माइंड से मन ही मन बार बार कहें कि आपको सेप्टम को एक्टिवेट करना है और मूड को अच्छा करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि दिमाग में ये हिस्सा कहाँ है। बार बार उसे कहने से वो आपके मूड को बेहतर कर देगा। आपको बस पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करनी है। गाइडेड इमेजरी। गाइडेड इमेजरी बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका इस्तेमाल आप किसी भी चीज को हासिल करने में कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाना हो, चाहे किसी बीमारी को ठीक करना हो या किसी गोल को अचीव करना हो। गाइडेड इमेजरी या विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल
हमेशा से अलग अलग फील्ड और प्रोफेशन के लोग करते आए हैं, जैसे कि ज्यादातर सफल खिलाड़ियों और ओलंपिक प्लेयर्स ने ये बात मानी है कि किसी भी परफॉर्मेंस से पहले वो हमेशा विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। विजुअलाइजेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले किसी शांत जगह पर बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। इसके बाद आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके बारे में कल्पना करें। ऐसा सोचें कि आप जो भी चाहते हैं वो आपको अभी मिल चुका है। मन ही मन कल्पना करें कि अपने मनचाहे गोल को अचीव करने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी और आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आएंगे। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते वक्त आप अपने मन से हर तरह के शक और डाउट को बाहर निकाल दें, वरना इस टेक्निक की पावर बहुत कम हो जाएगी। चैप्टर 8, मेथड्स ऑफ यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड पार्ट 3। लेखक का मानना है कि सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करते हुए इंसान अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है, इसलिए राइटर ने दिमाग के इस हिस्से को यूज करने के लिए कुछ क्लासिक मेथड्स के बारे में बताया है। राइटर ये दावा नहीं करते कि इस तरीके के बारे में आपको पता नहीं होगा, वो बस ये कहते हैं कि आप इस तरीके के बारे में भूल चुके हैं, इसलिए अब वक्त आ चुका है कि आप इस भूले हुए तरीके को समझने की कोशिश करें। राइट अफर्मेशंस। सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन डालने से पहले उसे लिखने की आदत डालें। इसकी मदद से आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से तैयार हो जाता है कि उसके पास कौन सा काम आने वाला है। वर्डिंग्स। अफर्मेशन तैयार करने के लिए शब्द ही आपके हथियार होने वाले हैं। शब्दों का इस्तेमाल कॉन्शियस माइंड के लिए भी किया जाता है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड से बात करने के लिए सही शब्दों को चुनना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, तो हमने अपनी वेबसाइट brainbook.in पर पॉजिटिव अफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शंस पर कुछ ऑडियोज बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। बी रियलिस्टिक। बड़े गोल्स होना अच्छी बात है, लेकिन आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। उसी के हिसाब से गोल्स बनाएं और उन गोल्स के बारे में सबकॉन्शियस माइंड को बताएं। अनरियलिस्टिक रहकर आप खुद का ही नुकसान करेंगे। बी पॉजिटिव। ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो समझ जाएं कि आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। स्पेसिफिक एंड क्लियर विजन। किसी भी डाउट में रहकर सबकॉन्शियस माइंड से बात करने की कोशिश ना करें। यूज ऑफ इमोशन एंड सेंस। पूरी समझ और नॉलेज के साथ किया हुआ काम कभी भी पूरी तरह से फेल नहीं हो सकता। इसी के साथ अगर आप उस काम में इमोशन जोड़ दें तो सबकॉन्शियस माइंड भी आपका साथ देता है। ये बात बस थ्योरी नहीं है, बल्कि कई हजारों रिसर्च पेपर्स में पब्लिश हो चुकी है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहरा दूंगा, तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को हम हमेशा नजरअंदाज करते रहते हैं। यही वजह है कि लाइफ में कई लोग उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते हैं जिसके वो काबिल होते हैं। कॉन्शियस माइंड से कहीं ज्यादा ताकत सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। सही एटीट्यूड, इमोशन और पॉजिटिव थिंकिंग की मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गोल सीकिंग कंप्यूटर की तरह काम करता है। चाहे आपका गोल जो भी हो, ये उसे अचीव करने में आपकी मदद करता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए अफर्मेशंस और मेंटल इमेजेस का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द जीनी विद इन योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पर बना ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।